हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे 10 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और उन स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है, और मेरी तरफ से भी कुछ स्टॉक में बताऊंगा कि मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ ब्रेकआउट आ सकता है या इंट्राडे में आप उसको बाय या सेल कर सकते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आने वाले वीक के लिए हम लोग को क्या क्लूज है कि मार्केट के लिए फंडामेंटल जो चीज़ है वही। ये वीक में फंडामेंटल बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है हमारे लिए जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में जो लेवल्स देखते हैं, अगर ऐसे कुछ फंडामेंटल न्यूज आते हैं तो वो सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो सकते हैं या रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे न्यूज आते ही रहते हैं। जैसे कि आने वाले वीक में जो है कि स्टेट असेंबली इलेक्शन जो हुए थे 5 राज्यों में, तो उनका इम्पैक्ट जरूर मंडे को आएगा। जैसे कि कल जितने भी एग्जिट पोल आए थे, जितने भी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, तो सभी में जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत टक्कर चल रही है और बीजेपी थोड़ा पीछे चल रहा है और कांग्रेस आगे चल रहा है, लेकिन एक एग्जिट पोल है, इलेक्शन का रिजल्ट जो है कि 11 तारीख को आने वाला है, तो आने वाला जो वीक है बहुत ही क्रुशियल रहेगा। उसके ऊपर ओपेक का भी मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने ऑयल का जो प्रोडक्शन है कुछ हद तक कट करने को कहा है, तो क्रूड ऑयल का भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा। फ्राइडे को जब क्रूड ऑयल मैंने शाम को वॉच किया था MCX के ऊपर, तो कुछ 5-6% ऊपर था, तो ये दो नेगेटिव न्यूज़ भी मार्केट में है मंडे को। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट उसको कैसे लेता है, उसको ऑलरेडी डिस्काउंट किया होगा मार्केट ने या फिर उसको नेगेटिव रिएक्ट करता है, ये मार्केट मंडे को ओपन होने के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन हमारे कुछ लेवल्स रहते हैं चार्ट के ऊपर, वो कौन से लेवल ब्रेक करता है, मार्केट कितना नेगेटिव होता है, नीचे जाके कौन से सपोर्ट लेता है, या मार्केट साइडवेज होता है या फिर रिकवर करता है, ये मार्केट जैसे कि ओपन होता है तभी आपको समझता है, क्योंकि इलेक्शन ये होते हैं या फिर इतने बड़े न्यूज़ रहते हैं तो उसका क्या होता है कि मार्केट पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। आप थोड़ा ये रहते हैं कि कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या हो सकता है, तो जो भी लोग ट्रेडर्स रेगुलर ट्रेड करते हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मंडे और ट्यूजडे को उनको ट्रेडिंग करने से दूर रहना चाहिए। पहले आप मार्केट का पूरा मोमेंटम देख लो, ट्रेंड देख लो, उसके बाद ट्रेड करो। मंडे ट्यूजडे को मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है। नेक्स्ट वीक में और भी क्या आपने लिए न्यूज़ है या फिर इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल कुछ न्यूज़ है, जैसे कि IMF डेटा और इन्फ्लेशन डेटा वो भी आने वाला है, तो ये सब अपने लिए नेक्स्ट वीक के लिए बहुत सारे क्लूज है। तो मार्केट श्योर नेक्स्ट वीक में बहुत ही वॉलेटाइल होने वाला है, वो क्या होगा कैसे होगा हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल के ऊपर हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज आपको देखने मिलेंगे, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो और स्टॉक मार्केट भी सीख सकते हो, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग अभी जाके चार्ट के ऊपर देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट के क्या क्या क्लूज है, तो चलिए चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी का चार्ट से। हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे, जैसा कि लास्ट वीक मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया था तो आपको एक लेवल बताया था जो 10,922, तो उसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो ऊपर के लेवल आ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन लास्ट वीक भी उधर से निफ्टी पूरा नीचे डाउन आ गया। हम लोग थोड़ा वीकली चार्ट भी देख लेते हैं निफ्टी का, तो निफ्टी का ये वीकली चार्ट में देखिए कि अच्छा खासा एक नेगेटिव कैंडल बन गया है, और हम लोग वापस डेली में जाते हैं तो हम लोग डेली में देखेंगे कि निफ्टी का जो है कि वीक का 4 दिन नीचे आया और लास्ट फ्राइडे को उसने रिकवरी दिखाया। फ्राइडे को जो बाइंग आया था बिकॉज ऑफ कोटक बैंक का जो न्यूज आया था उस वजह से, और सर्विस सेक्टर के जितने भी स्टॉक है वो खाली ऊपर गए थे,
ऐसे बजाज फाइनेंस वगैरह जो है, लेकिन मोस्टली मार्केट को दूसरा कोई सेक्टर्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि मंडे के लिए हमको निफ्टी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या रहेंगे। ऐसा आपको मालूम है कि मैंने फंडामेंटल लूज के बारे में बात किया था, तो वो श्योर है कि मार्केट के ऊपर वो हावी रहेंगे। अगर मार्केट के हम लोग एक ब्रॉड रेंज का भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख लेते हैं, तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया था निफ्टी का, जो यहाँ से जाता है, जो अभी एक लेटेस्ट था, और उसको निफ्टी ने ब्रेक किया है। ओके, थर्सडे को ब्रेक किया था और फ्राइडे को ए वाला कैंडल बनाया। लेकिन ट्रेंड लाइन का रूल ऐसा है कि कंसेक्यूटिव दो रेड कैंडल बनना चाहिए, तो जो ये ब्रेकआउट हुआ उसको सेकंड कैंडल जो था फ्राइडे का, उसने फॉलोअप नहीं दिया है, यानी कि कंफर्मेशन नहीं दिया कि ये जो ट्रेंड बना था पूरा, ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड बना था, ये पूरा अप ट्रेंड जो है वो यानी कि ब्रेक हो गया, उसका पूरा कंफर्मेशन इसमें दिया नहीं है। बट अगर कहीं भी कंसेक्यूटिव दो रेड कैंडल बनता है तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा डाउन ट्रेंड का। और भी क्या क्लूज है कि अगर डाउन ट्रेंड आता है तो कौन सा नियर वाला सपोर्ट कौन सा है, जो अगर ब्रेक होता है तो हमको समझना कंफर्म मिल जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा। तो ये जो लेवल है एक में 10,526, ये जो है कि निफ्टी का रिसेंट लो है, ये ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद अगर इसके नीचे दो रेड कैंडल भी क्लोज होता है तो ये भी ये निफ्टी के लिए नेगेटिव है और एक डाउन ट्रेंड और शुरू हो सकता है। तो ये हमको एक इम्पोर्टेंस लेवल लगा के कंसीडर करना चाहिए कि 10,526। ओके, उसके बाद जो है कि निफ्टी के सपोर्ट जो है यहाँ पे 10,437 है एंड 10,253। और जैसे कि लास्ट टाइम निफ्टी जहाँ से सपोर्ट लिया था वो लेवल था नियर अबाउट 10,000। तो हमको नीचे के सब सपोर्ट देखने चाहिए निफ्टी के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि निफ्टी के 10,000 ही आएगा। तो ये जो सपोर्ट है ये कैसे रिएक्ट करता है, इसके ऊपर कैसे लेते हैं वो देखेंगे हम लोग। रेजिस्टेंस भी देखेंगे निफ्टी का, तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है नियर वाला वो 10,726, ये निफ्टी को एक रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद जो है 10,820, और उसके बाद जो रिसेंटली वो रेजिस्टेंस लेके निफ्टी आया था 10,922 का, एक निफ्टी को रेजिस्टेंस रह सकता है। ऊपर वाले भी लेवल थोड़ा मैं निकालता हूँ, जैसे कि ये जो है 11,036, ये भी एक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो कि निफ्टी कैसे उसको रिएक्ट करता है। और एक नजदीक वाला सपोर्ट मुझे दिख रहा है जहाँ से ये फ्राइडे का कैंडल था, जो कि है 10,590 यानी कि 10,600। तो ये जो जितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको सामने दिख रहे हैं इसको कैसे ब्रेक करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सपोर्ट जो है डायरेक्टली गैप डाउन, वो सपोर्ट को स्किप करके गैप डाउन या गैप अप निफ्टी होता है। और आने वाले जो दो दिन है वो बहुत ही क्रुशियल है मंडे और ट्यूसडे का, तो वहां पे ये लेवल जो है लेवल वर्क करे ना करे, अगर वर्क करते उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मैंने जो लेवल अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर से दिए, ऐसे नहीं कि चलने चाहिए, और जब ज्यादा क्रुशियल मार्केट रहता है तो आप कम ट्रेड करो। अब इंट्राडे में भी देखते हैं कि निफ्टी का 5 मिनट के चार्ट के ऊपर नजदीक वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो जैसे कि मैंने डेली के ऊपर जो लेवल निकाले हैं निफ्टी के, ऑलमोस्ट वही निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जैसे कि अगर नॉर्मल मार्केट रेड बाउंड खुलता है 10,655 के नीचे जाता है तो निफ्टी इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सकते हो, अगर ये लेवल से नीचे जाता है तो। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर 10,726 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो 10,820 का टारगेट आ सकता है। ये इंट्राडे के लेवल है। और मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करता हूँ, तो बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं डेली के चार्ट के ऊपर। ये जो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है ये वीकली का है, वीकली का भी बैंक निफ्टी ने नेगेटिव कैंडल बनाया है, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी से कंपेयर अच्छा कैंडल बनाया है क्योंकि नीचे से थोड़ा बाइंग प्रेशर है। हम लोग डेली का देख लेते हैं, डेली में देखिए कि
निफ्टी जैसे ही उसने वीक के चार दिन निगेटिव किया और फ्राइडे को पॉजिटिव बनाया था। जैसे मैंने बताया कि जैसे कि कोटक बैंक जो ऊपर आया था और उसका न्यूज था, उसकी वजह से बैंक निफ्टी इतना ऊपर आया है। और बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट है, यानी कि कल के मंडे के लिए रहेगा 26 to 67 का एक सपोर्ट है। रेसिस्टेंस के लिए फ्राइडे का यहाँ एक उसका रेसिस्टेंस बनेगा, उसको अगर पार करता है तो ही वो बाई में आ सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में मैं ज़्यादा लेवल्स नहीं देते हूँ, क्योंकि मैंने निफ्टी के बहुत सारे लेवल आपको दिए भी है और एक ब्रॉड रेंज में बड़े मूवमेंट में शायद ट्रेडिंग हो सकता है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है। जो आई वी है कॉल और पुट के वो 16 यानी 16 से 20 के आसपास है, तो ये मार्केट में वॉलेटिलिटी ऑलरेडी बढ़ गई है, तो ज़्यादा मूवमेंट आने का बहुत ही चांस है। तो मैं कुछ स्टॉक ये लेता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट व्यूअर्स ने मुझे पूछे हैं उनके बारे में बात करता हूँ। मिस्टर साहू है, उन्होंने ऑरो फार्मा के बारे में मुझे पूछा है, तो मैं ऑरो फार्मा का डेली चार्ट ओपन करता हूँ। तो देखिए कि मुझे उन्होंने पूछा था तो मैं उनको एक कमेंट्स किया था, अभी मैं डिटेल में बात करता हूँ। तो देखिए ऑरो फार्मा का ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, ये नैरो रेंज में घूम रहा है, तो ये रेसिस्टेंस से नीचे आ रहा था। इन्होंने जो बाय किया है कुछ 820 में, तो 820 यानी एक रेसिस्टेंस के आसपास उन्होंने बाय किया है। उसका जो सपोर्ट है 723 और स्टॉप लॉस है 707। ए लेवल में अगर बाय करते हैं तो 707 का टॉप लॉस लगा के उसको बाय कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऑलरेडी बाय किया तो एक लास्ट वाला जो उसका टॉप लॉस रहता है वो जो आ रहा है वो 707 है। तो मोस्टली जब भी आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो तो आप पूरा चार्ट रीड कीजिए और देखिए कि सपोर्ट कहाँ है, तो सपोर्ट के करीब बाय कीजिए तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये जैसा कि मैं आपको वीकली व्यू दिखाता हूँ या आपके स्टॉक के बारे में बात करता हूँ, तो थोड़ा मैं आपको सिखाता भी हूँ, तो ये थोड़ा देख के या आपको उसमें ट्रेड करो। ओके, तो नेक्स्ट जो है गिरीश करके, उन्होंने मुझे L&T फाइनेंस के बारे में पूछा है। तो L&T फाइनेंस का ये जो चार्ट है, डेली का चार्ट है, L&T फाइनेंस जो है कि हायर टॉप हायर बॉटम यहाँ पे मार रहा है और थोड़ा पॉजिटिव में है ही, लेकिन अभी अगर उसका नया सपोर्ट आपको लेना है तो मैं उसका नया सपोर्ट भी नियर सपोर्ट बनाता हूँ कि नियर उसका सपोर्ट जो है अभी आ रहा है 128 उसका टॉप लॉस आ रहा है, और अगर एंट्री इसमें करना है तो 131 के आसपास उसको बाय कर सकते हो। उसका नया टारगेट जो है वो आ सकता है 144, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बट ये थोड़ा हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है, तो एक थोड़ा पॉजिटिव है नेगेटिव ट्रेंड आने के बाद। उसके बाद है विजय करके, उनने मुझे डाबर के बारे में पूछा है, तो डाबर इंडिया का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। तो देखिए कि मुझे लास्ट टाइम भी किसी ने डाबर के बारे में पूछा था, तो जब भी वो 368 था ए लेवल के आसपास था, तो ए लेवल के आसपास मुझे पूछा था, तो मैंने कहा था कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और बाय हो सकता है। तो ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, अभी यहाँ पे सस्टेन हुआ, वापस ऊपर गया और यहाँ पे आके अभी ये लेवल पे खड़ा जो है, ये लेवल भी एक सपोर्ट का ही लेवल है, बट ये नीचे के लेवल पे आप करते तो बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि यहाँ पे देखो बाइंग जो हुई थी बहुत अच्छी बाइंग हुई थी। बट एनीवे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। तो डाबर अभी जो लेवल पे है एक अच्छा लेवल है, लेकिन उसका टॉप लॉस है जो 396 लगा के उसमें बाय कर सकते हैं, 430 तक जाने का चांसेस है। जो भी मैं अभी आपको स्टॉक का टॉप लॉस है ये बता रहा हूँ, तो कंसिडर करना कि नेफिक में जो वॉलेटिलिटी रहेगी उसको आप बेयर कर सकते हो, तो इस स्टॉक में आप ट्रेड करो। तो उसके बाद मैं कुछ स्टॉक का जो लेवल है मेरी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर मार्केट फेवर में रहा तो ये लेवल्स या उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस चलेंगे। तो मैं पहला स्टॉक के बारे में बात करता हूँ, वो जो है रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो चार्ट है, फ्राइडे को उसने बहुत अच्छा रिकवरिंग किया था, तो यहाँ पे अगर मंडे को सब कुछ ठीक है, अगर आपको बाय करना है तो 1137 के ऊपर इसमें बाइंग आ सकता है और उसका टारगेट रहेगा 1150। अगर रिलायंस में शॉर्ट जाना है तो 1108 के नीचे आप उसको शॉर्ट जा सकते हो। पहला टारगेट उसका आएगा 1096 और नीचे के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं, अगर ये ब्रेक करता है तो आएंगे 1084। मैं थोड़ा बड़ा रेंज दे रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी मार्केट में है इसलिए।
नेक्स्ट जो मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट का थोड़ा रीड किया था, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्सिस बैंक जैसे कि बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग सब थोड़ा रिकवरी के मूड में थे, तो एक्सिस बैंक ने एक डोजी टाइप कैंडल बनाया, तो ये आइदर साइड मूवमेंट कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको एक्सिस बैंक अगर 608 के ऊपर जाता है तो आप उसको बाय कर सकते हो, 615-623 का टारगेट आ सकता है। एक्सिस बैंक अगर 592 के नीचे जाता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 582 का टारगेट प्रॉपरली आ सकता है। उसके बाद ICICI बैंक का एक चार्ट है, तो जैसे कि ICICI बैंक भी ये प्राइवेट बैंक में आता है, प्राइवेट बैंक का सेक्टर थोड़ा बहुत रिकवरी कर रहा था। देखते हैं कि अगर ये मंडे को 352 के ऊपर 353 के ऊपर अगर जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, और उसको शॉर्ट करना है तो इसका लो ब्रेक हो जाए 345 के नीचे, इसको शॉर्ट करो। इनमें आज जो बहुत बड़े बड़े रेंज बता रहा हूँ, इंट्राडे के भी ये कंसिडर करना। उसके बाद है एल एन टी, देखिए कि उसका चार्ट है थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने रेसिस्टेंस लिया था, नीचे आया था, वापस यहाँ पे इधर टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और अभी वो ब्रेकआउट रिटेस्ट करके यहाँ से ऑलमोस्ट वो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो अगर यहाँ पे बाइंग करना है तो ए लेवल अगर पार करता है 1403 आप उसमें बाय कर सकते हो, अदरवाइज अगर वो नीचे आता है 1369 के नीचे आता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। 1369 से अच्छा तो 1358 के नीचे करना, तो एक अच्छा आपको डाउनसाइड मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का रेंज छोटा हम लोग बड़ा रखते हैं बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। उसके बाद हम लोग TCS के बारे में बात करेंगे, तो TCS का चार्ट है मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि यहाँ देखिए, सब रिमूव करता हूँ, यहाँ देखिए चार्ट के ऊपर कि इसने एक W पैटर्न बनाया था यहाँ पे, और ये W पैटर्न का जो है नेकलाइन है ऑलमोस्ट ए लेवल के आसपास आ रहा है, वहीं पे अभी सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इसमें बाइंग करना है तो एक अच्छा खासा ये लेवल निकालने दो उसको, 2017 के ऊपर उसको ब्रेक करने दो, तो इसमें बाइंग आएगी और एक बड़ा टारगेट आएगा, जितना भी ये लेंथ है ए डब्ल्यू का डबल बॉटम का उतना ऊपर आपको टारगेट मिल सकता है। तो मुझे ऐसे कुछ स्टॉक मिले जो मैंने आपको दिखाए जिसमें मुझे लग रहा है कि कुछ मोमेंटम आ सकता है, लेकिन जितने भी नेक्स्ट वीक में जितने भी इवेंट्स हैं उसको कंसिडर करना, और मार्केट अगर स्टेबल है तभी इसमें ट्रेड करना। आपको मैंने बताया स्टॉक में ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का आप हेल्प लेके उसमें ट्रेड कीजिए, और सब इवेंट ध्यान में रखे आप ट्रेड करना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट भी देती जाइए, जैसे आपके कमेंट्स आते हैं बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट बहुत अच्छे रहते हैं। आपको क्या देखना है, कौन से स्टॉक में आपको लेवल चाहिए, वो भी आप कमेंट्स करते रहिए, मैं उसका जवाब देता रहूंगा। और ऐसे ही हमारे साथ आके आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमारे साथ आके आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, उसके डिटेल्स मैंने स्क्रीन के ऊपर दिए हैं, वो डिटेल देख के हम लोग को व्हाट्सएप या आप कॉल करके हमारे यहाँ पे सीखने को आ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हमारे वीडियो देखते रहिए और इसको शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइक करते रहिए। तो नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, बाय बाय।